ठीक है जी, आइए जी नेक्स्ट कढ़ाई। आपको बता दें हफ्ते में एक कढ़ाई अगर बनाना आप चाह रहे हैं तो एक हफ्ते में आप व्हाइट कढ़ाई बना लें, अपने मेन्यू में लिख लें। पता है अगर मेन्यू बना के आप रखेंगी, ये सवाल आपको जहर नहीं लगेगा कि आज क्या पकाऊं। आपको पता है कि अगर आप ये कढ़ाई बनाने वाली हैं, बच्चे ज़रूर खाएंगे, बच्चों बच्चों के अब्बा उन सबको अच्छी लगने वाली है जी। अच्छा, और मैं आपको एक और मशवरा दे रही हूँ, अगर आपने गोश्त बनाया है ना, आप साथ सैलड रखें, खीरा, टमाटर, प्याज, जिस तरह जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं साथ रायता बना लें। ये चीज़ें जो है ना, ये खाली एक डिश भी बनाई होती है ना तो ये चीज़ें दस्तरखान को सजा देती हैं। ये सब्जी का एलिमेंट रखें साथ, खीरा, टमाटर, प्याज, ये कढ़ाई के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देते हैं जी। आगे हम मटन की ग्रीन कढ़ाई, वही मटन गला हुआ है, तेल में डाल दिया। ये आधा किलो मटन है और तेल हम लोगों ने गरम कर दिया, ये उबला हुआ मटन है। अच्छा जी, अब इसके बाद वही प्रोसीजर है, नमक लहसुन अदरक डाल के उबाल लिया, पानी सुखा लिया और उसके बाद इसको तेल में डाल, तेल में थोड़ा भुनाई करने के बाद हम इसमें जीरा डाल देते हैं सब। अच्छा, इसमें भी जीरा आएगा सबसे पहले, ठीक है। आधा आधा टीस्पून, आधा टीस्पून और भी काम है ये। अच्छा, इसमें आपने जीरा डाल के भुनाई की, हाँ सही। वो जो हम अब सिखा रहे हैं वो हरे मसाले की कढ़ाई है, ठीक है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट? अब इसके बाद हम इसमें दूध डाल देते हैं। अच्छा, इसमें भी दूध डालेगा? जी जी, एक कप इसमें भी हम दूध डाल रहे हैं। ये हरे मसाले की कढ़ाई है मगर इसमें भी दूध जा रहा है, ठीक है। फिर ये हरा मसाले की कढ़ाई क्यों कहलाती है? इसमें क्या हरा मसाला डालेंगे? जी जी, हरा धनिया, पुदीना, पुदीना और हरी मिर्च वगैरह, ये डालें। हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, ये सब गार्निशिंग के लिए डालेंगे? अभी डाल नहीं, अभी मसाले के तौर पर। अच्छा 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 अच्छा, हाँ अच्छा, कोई पेस्ट डलेगा मुझे लग रहा है। हाँ, क्या पेस्ट, कैसा बनाया हुआ जरा बताओ। उसको जूसर ग्लेंडर से बस ग्लेंडर कर दो आप धनिया, जैसे अभी आधा किलो का ये मटन है तो उसके लिए एक गड्डी धनिया, एक गड्डी धनिया, आधा गड्डी पुदीने, आधी गड्डी पुदीने और मिर्ची अपने हिसाब से, जितना आपको स्पाइसी चाहिए उस हिसाब से। आप लोग कितनी डालते? हम लोग तो एक चम्मच दो चम्मच डाल देते हैं। नहीं, चम्मच नहीं बताओ, जब अभी आप पेस्ट बना रहे हो तो फिर उस हिसाब से बताओ। तो अभी मैं डाल दूंगा तो आप, आपने मुझे बताया एक गट्ठी धनिया जी, आपने मुझे बताया आधी गट्ठी पुदीना, पुदीना, अब आप हरी मिर्चे भी बताओ। चार से पांच दाने हरी मिर्चे डाल दी और उस तरह किस तरह का पेस्ट बनेगा ये देखिए, ये पेस्ट है, ये ऐसा पेस्ट तैयार हो जाएगा जैसे आप चटनी के लिए बनाते हैं पेस्ट, ये सॉलिड। अच्छा, आप ये मुझे बताओ कि इसके कितने चमचे डालोगे? इसके मैं अभी दो चम्मच डालूंगा, दो चम्मच टेबल स्पून, ये एक चम्मच, दो चम्मच, ये इस तरह का होगा, ठीक है। और ये पतली हरी मिर्चें, एक इम्पोर्टेंट सवाल, ये मुझे इसमें नजर आ रही है पतली वाली हरी मिर्चें, जो जी जी मलीर मिर्च, मलीर वाली, जो जरा ततैया मिर्च भी कहते हैं, जो ज्यादा तीखी होती है, वो चार पांच मिर्चें काय डालने को तो उस पर फ्लेवर आएगा जी। ये पुदीने का पेस्ट, अच्छा पुदीने का पेस्ट अलग क्यों निकाला है? ये अलग हिसाब से डालते हैं ना, इस वजह से। तो आप कह रहे हैं धनिया पुदीने का पेस्ट अलग रखेंगे और हरी मिर्चे का पेस्ट अलग, तो हरी यार एक अपनी हिसाब से स्पाइसी पसंद करते हैं, तो अब अगर मैं इसको एक साथ कर दूं तो फिर पसंद। तो आप हरी मिर्चों का जो पेस्ट है उसके आप दो टेबल स्पून डाल, जी जी, और जो धनिया और पुदीना अलग से आपने पीस के रखा हुआ है उसका एक गड्डी धनिया है और आधा गड्डी पुदीना, ये सारा डलेगा, ठीक है। अब मैं समझ गए आप लोग भी कि इन्होंने पेस्ट अलग बना के रख लिया, आप जितना भी पेस्ट बनाना चाहे। ये लोग दो टेबलस्पून हरी मिर्ची के अलग डालते हैं, ये ततैया मिर्च जो बारीक वाली होती है, जो मोटी मिर्च होती है उसमें इतनी मिर्चें नहीं होती हैं, तो ये इसमें ततैया मिर्च इस्तेमाल हो रही है। दही डाल रहे हैं अब आप, सबसे पहले आपने उसमें जीरा डाला, फिर आपने उसमें दूध डाला, अब आप इसमें दही डाल रहे हैं। अभी हरे मसाले को टच भी नहीं किया है उधर, है ना, हरा मसाला नहीं डाला, ठीक है। दही का डाल देते हैं हम, हाँ माइक के बगैर आवाज आएगी नहीं, जो आपने सजा के रख लिया। हाँ, एक छोटा कप आपने दही डाल दिया, ठीक है। अभी तक तो वाइट कढ़ाई वाली इसकी रेसिपी सेम चल रही है, अब जाके मुख्तलिफ होगी कि दही के बाद अब आप हरा मसाला डालने वाले, अब थोड़ा पकाएंगे इसको, अब इसको थोड़ा पकाएंगे। अच्छा, देखिए हम लोग गलती क्या करते हैं, जब हम अपने घर में हरा मसाले की कुछ इस तरह की बनाते हैं चीज, तो हम दही वही से हर चीज से पहले ही हरा मसाला डाल देते हैं और उसमें कड़वाहट आ जाती है।
अब ये टिप आप यहाँ से पकड़ें, क्योंकि मैं भी पकाती हूँ तो मेरी ना कढ़ाई में एक कड़वाहट सी होती है. क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में ही डाल दिए होते हैं ना ये धनिया पुदीना, और ये पक पक के ये चीज़ें काली, कड़वा कलर भी इसका काला हो जाता है, तो इसको हरा ही रहने दें कलर. अब ये सारी पकाने के बाद फिर ये बाद में डालेंगे, क्योंकि ये चीज़ें इतनी पकती ही नहीं है. हरा धनिया पुदीना हम हमेशा गार्निशिंग के लिए ऊपर डाल रहे होते हैं, तब आपने पकाना है तो आप कैसे शुरू में डाल सकते हैं, ये लॉजिक हमने इस्तेमाल ही नहीं की कभी. जी अभी ये पक रहा है जी, कितनी देर और पकाओगे? बस अभी मैं मिसाले डाल रहा हूँ. ठीक है. हाँ, अब जब दही के साथ वो थोड़ी पक गई है, गली हुई भी है, तब आपने इसमें हरे मसाले मिलाए. हरा धनिया एक गट्ठी और पुदीना आधी गट्ठी. ज़्यादा पुदीना डालने से मेरे ख्याल से कड़वाहट हो जाती है ना, इसलिए भी. ये हरी मिर्च आ गई 2 टेबलस्पून. ठीक है, डन हो गया. अब नेक्स्ट नमक. ये मसाले अभी मैं नमक डाला. हाँ, अब नमक. अगर आपने गोश्त में भी गलाने के लिए डाला है तब भी आप नमक डालेंगे इसमें, और उसमें टाइम में कम डालते हैं. ठीक है, अब आप क्या डालोगे? ये ब्लैक पेपर. इसमें भी ब्लैक पेपर जाएगी. ठीक है, नमक, काली मिर्च, हरे मसाला सारा डल गया. फिर क्या और मसाला? इसमें भी दखनी मिर्च, सफ़ेद मिर्ची डलेगी. आधा चम्मच. हाँ, ये मुझे लगता है वो मलाई बोटी का जो बारबेक्यू का टेस्ट होता है ना, ये वो आने वाला है कढ़ाई में. इसमें भी आप क्रीम डालते हो? जी, क्रीम डालेगा बाद. ये वो ही टेस्ट आने वाला है जो मलाई बोटी का आता है. अभी देखिए ग्रीन कलर काला नहीं हुआ, हुआ फ्रेश है बिल्कुल. अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे. जी. मसाले सिर्फ 3 डले, काली मिर्च, दखनी मिर्च, नमक, जीरा, 4 हो गए ना. बस यही मसाले हैं, और बाकी हरी मिर्च का पेस्ट, धनिया, पुदीना, ये अलग मसाले हैं. उसकी वजह से हरी कढ़ाई कहलाई जाती है. लेकिन आप मैंने तो यहाँ से ये सीखा कि ये जो सारे धनिया पुदीना और हरी मिर्च है ये बाद में डलेगा, दही वही डालने के बाद. बस आखिर में जब ये थोड़ा पक जाएगा, पानी इसका खुश्क हो जाएगा, फिर आप क्रीम मिलाएंगे. जी.